इधर उत्तर प्रदेश में इस साल सर्दी लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। कानपुर में भीषण ठंड की वजह से आए हार्ट अटैक से पिछले 10 दिनों में करीब 50 लोगों की जान चली गई। जिनमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, दावा है कि ठंड की वजह से लोगों का दिल का दौरा पड़ने के मामलों में अचानक तेजी देखी गई। LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आंकड़ों की माने तो 1 जनवरी को उनके अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हुई, वहीं 2 जनवरी को ये बढ़कर 6 तक पहुंच गई। इसके अलावा 4 और 6 जनवरी को पारा इतना नीचे लुढ़का कि इन दोनों ही दिनों में 8-8 लोगों की मौत हुई। आज हृदय उप संस्थान में 723 रोगी आए थे जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। डॉक्टरों का मानना है कि इस साल पड़ रही सर्दी से लोगों का लड़ पाना मुश्किल हो रहा है। LPS इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के मुताबिक अब तक उनके अस्पताल में 51 लोगों की जान सर्दी की वजह से आए हार्ट अटैक के कारण हुई। वहीं 57 लोग ऐसे थे जो जब तक उनके अस्पताल पहुंचे वो जान गंवा चुके थे। और इस बीच अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति का एक वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया। उन्होंने राष्ट्रगान के वक्त पैंट में ही पेशाब कर दिया था, जिसके बाद वीडियो बनाने के जुर्म में 6 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। असल में दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति सलवा कीर ने राष्ट्रगान गाते हुए पैंट में पेशाब कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के साथ लोगों ने तरह तरह के तंज कसते हुए उनकी आलोचना भी की, जिसके बाद इसे रिकॉर्ड करने के आरोप में 6 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। और उधर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के लड़ाकों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ज़ेलेंस्की की सेना को पस्त करने के लिए बड़ी संख्या में कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन रवाना होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के ये लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार करने की तैयारी में हैं। मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला होने वाला है। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस कादिरोव के लड़ाके जंग में उतरने के लिए तैयार दिखे। इस दौरान वहाँ बर्फबारी भी होती रही। यूक्रेन जाने से पहले कादिरोव का एक कमांडर लड़ाकों में जोश भरता नजर आया। इसके बाद सारे लड़ाके वहाँ खड़े विमान में सवार होते दिखाई दिए। पूरी तैयारी होने के बाद वो विमान कादिरोव के लड़ाकों को लेकर वहां से उड़ गया, जबकि वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ लड़ाके बसों की मदद से यूक्रेन के लिए रवाना होते दिखे। और उधर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने बिहार के नवादा से साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। और इसके साथ ही 25 ATM कार्ड और 16 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस की मौजूदगी में बरामद कैश को मशीन से गिना गया। 16 मोबाइल फोन। साइबर फ्रॉड केस में क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के जुगल किशोर जैन नाम के एक व्यापारी की शिकायत पर ये कार्रवाई की, जिन्होंने दिसंबर महीने में 58 लाख रुपए ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। और उधर न्यूज 18 को दिल्ली के कंजावाला कांड से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसमें आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को कार में तेज म्यूजिक चलाने की झूठी कहानी बताई थी, लेकिन अब न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि उनकी कार के नीचे अंजलि फंसी हुई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं, इसी वजह से वो गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहे। और न्यूज 18 इंडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आरोपी अमित जो कार चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और उन्हें ये डर था कि अगर लड़की को गाड़ी से निकाला तो वो फंस जाएंगे। इसीलिए एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों ने अंजलि को कार के नीचे से निकालने तक की कोशिश नहीं की।